तो मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर इंजीनियर एट साइट। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी हम कभी बाथरूम के अंदर पाइप फिटिंग करवाते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हमें जो पाइप फिटिंग कराते हैं तो करवानी चाहिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने इस वीडियो में आगे की तरफ के हमें किस तरीके से पाइप के कनेक्शन देने चाहिए और कहाँ कहाँ पर कितनी हाइट पर ये पॉइंट देने चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने ये पूरा बाथरूम है और इसमें अभी फ़िलहाल में टाइल लगी हुई है, इन टाइल से रिलेटेड भी मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा जो आगे, तो मैं टाइल से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगा कि आपको ये टाइल कैसे लगवानी चाहिए और इनमें इन बात इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं पानी के, तो ये किस तरीके से ध्यान रखने चाहिए कि हमें कौन कौन से पॉइंट कहाँ पर रखने। तो दोस्तों यहाँ पर तीन पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट जो है हमें इतने कुछ हाइट पर दिए जाते हैं, तो वो हाइट कितनी होती है लगभग, ये हाइट होती है लगभग आपकी 0.9 मीटर तक की होती है, या फिर आप कह सकते हैं 90 सेंटीमीटर तक। तो आप इन पॉइंट को फर्श से लेकर के 90 सेंटीमीटर की हाइट तक इनको ले सकते हैं। और क्योंकि जब हम इनको लेते हैं तो जब पानी ज़्यादा ऊपर से गिरेगा तो बाल्टी में आने तक वो पानी क्या होता है, वो उसमें टर्बुलेंट क्रिएट हो जाता है। अगर वो ज़्यादा हाइट नहीं होगी उसकी तो वो एक लेमिनार फ्लो में होकर के वो आपकी बाल्टी के अंदर से आसानी से भर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं कुछ पॉइंट इस तरीके से दिए हुए हैं, जैसे ये पहला पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैंने यूज़ किया है कि इस तरीके से जैसे हमारा जो मोटर चलती है तो सबसे पहले वाले पॉइंट में मोटर का पानी आएगा, जब भी आपकी मोटर चलेगी तो इस पहले पॉइंट में मोटर का पानी आएगा। ये बीच वाला जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर क्या होता है, जब भी आपकी टंकी से पानी आना होगा तो इस बीच वाले पॉइंट के थ्रू आपका जो वाटर टैंक से पानी सप्लाई होगा वो इस वाले पॉइंट से सप्लाई होगा। ये थर्ड वाला पॉइंट जो है ये आपका पॉइंट होता है गीजर से कनेक्टेड होता है, तो आप जहाँ कहीं भी बाथरूम के अंदर गीजर लगाएंगे या बाहर भी कहीं लगाते हैं तो आप गीजर में पानी गर्म करने के बाद, ऐसा तो नहीं कि आप डायरेक्ट गीजर से ही पानी लेंगे गर्म, तो वो पाइप फिटिंग जो होती है आपकी इसके थ्रू होती है कि आपको तीसरे पॉइंट से ये गर्म पानी जो है आपके सीधे बाल्टी में आ जाता है। दोस्तों अगर आप बाल्टी से नहीं नहाना चाहते हैं, आप शावर का यूज़ करते हैं, तो ये शावर भी कुछ इस हाइट पे होता है लगभग, ये आपका 7 फुट के एवरेज हाइट से कुछ थोड़ा सा नीचे ही होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके घर में फैमिली मेम्बर कितने हाइट के उनकी एवरेज हाइट कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस शावर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो ये शावर का सिंगल पॉइंट दिया हुआ है मैंने, ये सिंगल पॉइंट इसलिए दे सकता है कि जब भी आप नहाएंगे तो इस शावर को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो गर्म पानी के लिए, सिंगल पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, आप इसको गर्म पानी के लिए भी यूज़ कर सकते हो और ठंडे पानी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ देखेंगे तो इसके कुछ कंट्रोल पॉइंट होते हैं, यहाँ पर ये जो दो कंट्रोल पॉइंट दिए हैं मैंने, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो ये जो है ये पॉइंट है आपका गीजर का, जब आपको ठंडे पानी से नहाना है तो आप इस वाले पॉइंट को कंट्रोल करेंगे ठंडे पानी के लिए, और ये पॉइंट जो होता है आपका गर्म पानी के लिए होता है, जिससे कि आप गर्म पानी से अगर नहाना चाहते हैं तो गर्म पानी के लिए आप इससे अपने शावर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम गीज़र का पॉइंट कहाँ देना है, तो गीज़र का पॉइंट आप बाथरूम में किसी भी जगह पर दे सकते हैं। तो मैंने दोस्तों इस तरफ गीज़र का पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये एक पॉइंट जो है इस पॉइंट से गीज़र के अंदर पानी स्टोर होगा और ये दूसरा वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट से गीजर के अंदर से पानी बाहर की तरफ सप्लाई होता है। तो इसमें होता है हॉट वाटर या फिर गर्म पानी आप कह सकते हैं इसको, तो ये गर्म पानी आपका आपके जो आप बाल्टी भरेंगे उस पॉइंट पे भी जाएगा, और आप शावर अगर यूज़ कर रहे हैं तो शावर की जगह पर भी जाता है। दोस्तों इसी तरीके से ये बाथरूम जो बना हुआ है थोड़ा सा कंबाइन में बना हुआ है, मतलब कि जैसे आप टॉयलेट प्लस बाथरूम दोनों एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो उस तरीके से है। तो इसमें कुछ और भी पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट नीचे भी दे रखे हैं, जैसे कि ये वाला पहला पॉइंट है, ये आपका नॉर्मल वाटर टैंक से सप्लाई के लिए है। अब जैसे सर्दियों का मौसम होता है तो सर्दियों के मौसम में आप ठंडा पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, तो उसी की वजह से आपके लिए ये जो सेकेंड पॉइंट है ये आपका गर्म पानी के लिए ही होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा कंबाइन सिस्टम दिया है और थोड़ा जिससे कि आपको सर्दी के मौसम में तबीयत ख़राब ना हो। और ये आपका एक और लास्ट पॉइंट है कि आप इस पॉइंट को इस पर्पज़ से देते हैं कि आप जब बाथरूम के अंदर आते हैं फ्रेश होने के लिए तो
मुंह धोएंगे, हाथ धोएंगे, तो उसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाथरूम के अंदर ही आप मुंह हाथ धो करके आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक वॉश बेसिन लगाया जाता है जिससे आप मुंह धो करके बाहर निकलेंगे, पूरे फ्रेश होकर के ही बाहर निकलेंगे। ये नहीं कि आप खाली बस सिंगल वॉश होकर के फ्री होकर के बाहर निकल गए। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और कमेंट कीजिए आप मेरे वीडियो में, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।